हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी सुबह सुबह उठते ना मैं अपने कामों में बिजी हो गई। अभी सुबह सुबह उठते मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोने के लिए। तो अभी वन राउंड का तो कपड़े धुल गए, मतलब इधर धुलाई हो चुकी, अभी हो रही है सुखाई। जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे ना तब तक मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। अभी तो मेरी मम्मा ने मेरी घनघोर माता को सजा दिया अच्छे से फूलों से, डेली सजाती है मम्मा ऐसे ही फूलों से। पूजा पाठ तो हो गया मेरा, अभी मैं पी रही हूँ दूध हॉर्लिक्स क्योंकि मेरे को लगी है भूख। सुबह सुबह देखो छोटा हमारा कैसे सो रहा है, आज इस तरह न्यू स्टाइल्स में सो रहा है, कभी ऐसे नहीं सोता, ऐसे पलटी मार के आज फर्स्ट टाइम सोया है। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग करेंगे आज घर में ही रील शूट, क्योंकि मैंने सोचा है कि अभी जो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है वो तो एकदम ट्रांजिशन वाला है, तो मेरे को बहुत ज्यादा मन हो रहा है शूट करने का। तभी मैंने सोचा था कि नाश्ता तो हो गया अब मैं करूंगी रील्स, लेकिन मेरा पति जा रहा है बाहर मस्ती करने के लिए। मस्ती करने जा रहा हूं। तो कहां जा रहा है? कहां? है सच में दूसरी लाने जा रहा हूँ, देख लो। हाँ लेकर आएगा एक काम कर ले आ, वो बस घर में झाड़ू पोछा कर देगी, ठीक है? सारे जूते धो देगी। दूसरी बीवी ले आ, बस वो घर में झाड़ू पोछा कर देगी, जो मैं नहीं करती वो करेगी, ठीक है? क्या कर रहा है तू? तैयार हो गया, देख रहा हूँ। रेडी हो गया ना, फिर जा। लेकिन शाम को रील शूट करेगा, वैसे तो मेरा प्लान था रील से शूट करने का, बट ये मुझे ढूंढ के रखेगी तब करूंगा। ऐसा आके मेरे को बोल देगी देख मेरे को रील शूट करने जाना है, मैं तैयार हो गई। अबे तू क्या शूट करना, वो तो मेरे को पता होगा, सब पता रहता है। भाई जा रहे हैं अपने सारे भाइयों के साथ, इनके जितने भी भाई है सारे आवारा है, अपने नाम के जैसे आवारे का छोटे भाई। हाँ सबसे बड़ा वाला वो है आवारा, वो जो सबसे आगे है। कहाँ गए कौशल भैया? इनके कहाँ गए? सबसे छोटा आवारा कहाँ है? अरे नहीं दिखाओ इनको, वो छोटा आवारा शर्माता है मेरे ब्लॉग में आने से। बाय बाय। ये लोग तो चले गए अपना मस्ती करने के लिए और मैं अपने घर पर बैठे बैठे कोक पी रही हूँ साथ मूवी देखते देखते। सो गाइस, अभी मैंने लगाया अपने थोपरे पर फेस पैक एकदम गोरी गोरी होने के लिए, तो अभी आप 15 मिनट बाद देखना गोरी हो जाऊंगी। मिट्टी लगाई है और कुछ नहीं है, मुल्तानी मिट्टी कह रही है फेस पे। मुल्तानी मिट्टी नहीं है गाइस, ये ना बहुत ज्यादा 1500 रुपए वाली बता रही है। कितना झूठ बोलता है। नहीं ये फेस पैक है, देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पे निखार भी आना स्टार्ट हो गई है, देखो गोरापन आ रहा है। मिट्टी का सा निखार आ गया, अच्छा है ना भाई, सस्ते में निपट गया मैं तो। मेरा पति बहुत ज्यादा कंजूस है, मेरे को कुछ खरीद कर नहीं देता ना, इस वजह से मेरे को लगाना पड़े मुल्तानी मिट्टी। अभी हम लोग रेडी हो करके जाएंगे जिंडल पार्क, वहाँ पर करेंगे हम लोग रील शूट और कुछ फोटो शूट करवाएंगे अपने हस्बैंड के साथ। मैंने फिर से देखा है बाइक पर किस तरह का फोटो शूट करवाते ना, उस टाइप का करवाएंगे। रेडी तो हो गए हम लोग, अभी हम लोग ले लेते हैं अपना रील्स वगैरह शूट करने का सारे सामान। कैमरा भी ऊपर है ना, गिम्बल तो ले लिया ना अपने, कैमरा भी उसी के ऊपर था। नहीं कैमरा नहीं है। चलो अब निकलते हैं सब फटाफट से, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो गया हमें निकलने में। पीछे कोई बैठना ही नहीं चाहता यार, सबकी प्रॉब्लम। ठंडी रहती है लेकिन वो फील नहीं आता ना, रॉयल वाली फीलिंग नहीं आती। हमारा यहाँ पर तो आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन रील शूट करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया, सन ही डूब गया, तो आज हमारा रील्स प्रॉपर शूट ही नहीं हो पाया। क्या हुआ जानते हो? तो फिर कुछ बोल लो। यही वाले? नहीं ना ना, ये मैंने देख लिया, ये वाला नहीं है भाई, बैठन दो भाई। अपन टोटल गेमिंग है अज्जू भाई, ना ना टोटल गेम मैं सबको पहचान दो, ठीक है? अज्जू भाई को तो नहीं पहचानता भाई, अज्जू भाई तो मैं हूं। ये अज्जू भाई है भाई, ये हमारा अज्जू भाई है। मेरे फूफा जी आए बाबू को लेकर घुमाने के लिए, अब ग्रुप फोटो ले लेते सब, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। हाँ पंकज थोड़ा एकदम सही, परफेक्ट, सब एक जगह लाइन में रहो। आज हम लोग ना बहुत ज्यादा डांट सुने सबसे पंकज से, क्योंकि आज हम लोग आने में लेट हो गया ना, आज देखो कितना ज्यादा शाम हो गया ना, तो हम लोग ज्यादा रील शूट नहीं, मतलब एक रील्स पे हमने शूट किया ना तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक ही रील्स में इतने सारे टेक करना। सनराइज जैसे चली गई ना उसके बाद लाइटिंग खत्म हो जाती, सनराइज नहीं होता पहली बात, वो सनसेट होता। सनराइज का मतलब है कि सुबह सुबह, ठीक है? मेरी बहन जो है ना, अरे मेरी बहन जो है ना सरकारी स्कूल में सनराइज निकल गया, वो सुबह का टाइम होता है मेरे, सरकारी स्कूल में बेचारी पढ़ी हुई है, सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई, मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ गाइस, समझ आया? मैं चाइना में, ये चाइनीज देख के भी लग रही है ना। तो क्या हो गया भाई, कुत्ता से कौन डरता है? गाइस आज मैंने कुत्ता देखा, हमारी पूरी फैमिली कैसे हम लोग को छोड़कर भाग के जा रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली को पता है हम दोनों कितने टैलेंटेड हैं, कभी घर आ सकते हैं। तू मेरे को बाइक दिलाएगा अभी? जस्ट वो देख रॉयल इनफील्ड दिख रहा है ना सामने, क्या दिख रहा है? रॉयल इनफील्ड। अच्छा
हाँ वो मेरे को दिलाएगा तू अभी बंद नहीं हो गया देख वो खुला है शटर अभी तक डाउन नहीं हुआ कितना झूठ बोल रहा है जाली वाला खुला है शटर है वो पूरा जाके आगे देख बंद अच्छा ऐसा है क्या बंद हो गया लोल यार तो अभी कहाँ जाने का प्लान है पहले ये बता तू जहाँ बोले वहाँ चले सो गाइस अभी ना मेरे को बहुत ज्यादा मन था स्कूटी चलाने का बट ये लड़का मेरे को अभी लेकर जा रहा है शॉपिंग कराने के लिए मतलब मैं नहीं करूँगी ये करेगा मेरे को मैं करूँगी सच में हमारे साथ जो तीन और बच्चे है ना मतलब इसका तीनों भाई वो तो पीछे रह गए पता ही नहीं है उसका कि वो तीनों है अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रुक कर वेट क्योंकि हमें यहाँ पर आए तो काफी टाइम लगा लेकिन ये लोग अभी तक आए नहीं पता ही नहीं लग रहा कितना स्लो चल रहा है ये लोग अभी तक नहीं आ पाए हमारे पास अभी तक नहीं आए ये लोग यार पता नहीं लग रहा कहाँ रह गए ऐसे हम लोग पता है इतनी देर से वेट कर रहे हैं और वो लोग पता ही नहीं लगा कब आगे चले गए अभी हम लोग को कितना टाइम वेट करवा दिया सो गाइस अभी हम लोग ना ये चौधरी फोटो स्टोर आए थे कुछ कैमरा का काम था बट ये शॉप अभी बंद पड़ा है सो गाइस हमारा वहाँ का तो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि शॉप बंद था बट अगर कुछ भी बंद हो ना तो हमारा शॉपिंग का प्लान हमेशा एक्टिव रहता है अभी इसने अपना मूड बना लिया शॉपिंग करने का बीच में बाहर गई थी ना तो वहाँ पर मैं ज्यादा सूट नहीं ले पाई क्योंकि मेरा फोन एकदम डिस्चार्ज था बस इसका शॉपिंग तक ही लिया उसके बाद मेरा फोन मर गया और ये तो अपना फोन लेकर गया ही नहीं तो अभी हम लोग घर आए और घर आते मैं तो कभी मेहंदी लिखवा रही ये पता है हमेशा मेरा मेहंदी गोबर जैसा मानती थी एकदम गोबर इतना इसका बुराई की ना आज इसने इतना सुंदर मेहंदी लगाया देखो लग रहा है सच में इसने अपने हाथों में ही मेहंदी लगाया तो आज मैं अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि कल मेरा घनघोर का लास्ट है ना तो कल हम लोग जाएंगे घनघोर क्या वो तो पता है जो होता है ना हमारा जो सुबह पूजना होता है वो तो पूजेंगे लेकिन कल शाम को जाएंगे हम लोग अभी सर्जन कर कर आएंगे घनघोर माता की सो गाइस रात को तो मैं अपना व्लॉग एडिट कर नहीं पाई तो अब भी जाकर के फाइनली मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है और आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होगा क्योंकि रात को मैं एडिट नहीं कर पाई थी और अब भी एडिट किया ना इस वजह से काफी ज्यादा लेट हो गया मेरे को बट कोई बात नहीं कल से आप लोग एकदम प्रॉपर टाइम पर व्लॉग देखने को मिलेगा होप्स आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग देखकर काफी अच्छा लगा हो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना तो मैं चलती हूँ बाय बाय टेक केयर।